और रायपुर के तेलीबांझा पर जल्द बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। 484 करोड़ के खर्च से होगा इस फ्लाईओवर का निर्माण। 70 करोड़ में करेंगे भूमि अधिग्रहण। नवा रायपुर से आने वाले लोग फ्लाईओवर पे चढ़कर करेंसी टावर के पास उतरेंगे, यानी कि नवा रायपुर से करेंसी टावर के लिए रास्ता अब सुलभ होगा इस फ्लाईओवर बनने के बाद। आपको बता दें, तेलीबांधा चौक पर अब ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा। और इसकी जो सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि आम जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर होगा। ओवरब्रिज निर्माण के लिए 484 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी लंबाई 2900 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर होगी। कुल 484 करोड़ का फ्लाईओवर होगा। अभी हम जहां खड़े हैं, आपको बता दें, राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक में, जो कि सबसे ज्यादा बिजी रोड है। आपको बता दें कि रात को शाम को देखा जाता है कि ये जो वीआईपी रोड है उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है और जनता को काफी ज्यादा आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी से ही आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पर जो है लगा हुआ है। लेकिन अब एक बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली, क्योंकि राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर जो है वो यहाँ पर बनने वाला है। आपको बता दें, तेलीबांधा रिंग रोड से होते हुए ये फ्लाईओवर उस और वीआईपी चौक के आगे जो है आगे तक जाएगा और देखा जाएगा कि ये जो फ्लाईओवर है सबसे बड़ा राज्य का फ्लाईओवर बनने वाला है, क्योंकि ये जो रोड है सबसे ज्यादा बिजी रोड है और सारे वीआईपी मूवमेंट्स भी इसी रोड पर होते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट का रास्ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो फ्लाईओवर बनने वाला है, आपको बता दें, 2900 मीटर लंबा होने वाला है और 24 मीटर जो है इसकी चौड़ाई रहने वाली है। तो साफ तौर पर काफी बड़ा ये फ्लाईओवर बनने वाला है। 6 लेन फ्लाईओवर है, जो कि 6 जगहों से यहाँ पर जो है उतरने का रास्ता बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये जो फ्लाईओवर है कहीं ना कहीं जनता को बड़ी राहत देता नजर आएगा। इस फ्लाईओवर की अगर बात की जाए तो उसके निर्माण कार्य के लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो है लगातार चर्चाएं की जा रही है। रोड मैप, रूट मैप तैयार कर लिया गया है, दोनों तैयार है और जल्द ही इस पर जो है आखिरी चर्चा करके देखा जाएगा कि उसका टेंडर भी निकाला जाएगा और साल के अंत तक इस फ्लाईओवर का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर लागत की बात की जाए तो 400 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है इस फ्लाईओवर में खर्च किए जाएंगे, जिसकी वजह से एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी जनता को। और साथ ही में 70 करोड़ में जो है इसके भूमि अधिग्रहण की बात की जा रही है। जो भी यहाँ पर रास्ते में जमीन आएगी उसे देखा जाएगा कि बात करके जो है 70 करोड़ के मुआवजे की बात यहाँ पर की जाएगी। तो साफ तौर पर एक बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर राजधानी रायपुर में बनेगा। वीआईपी मूवमेंट्स वहां से होंगे और जनता को काफी ज्यादा सुविधा और जो सड़क ट्रैफिक का जाम है उससे राहत मिलेगी। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, बीएसटीवी रायपुर।